Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to my channel। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ फजर आसिम खान। आज की जो वीडियो है वो है रिव्यू वीडियो, और इंशाल्लाह अब आगे रमज़ान शरीफ में जितने बाकी रमज़ान शरीफ के रोज़े रह गए हैं इसमें आने वाली हैं बहुत सारी रिव्यू वीडियोज़। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। रिव्यू सीरीज जो है वो उनका स्टार्ट इसलिए कर रही हूँ ताकि बहुत सारी जो गर्ल्स हैं जिनको रोज़े रखने की वजह से जो है वो स्किन डल हो जाती है और डिहाइड्रेट हो जाती है, तो डिफरेंट किस्म की रेमेडीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग कर देंगी। और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में भी आप लोग को रिव्यू दूंगी ताकि आप लोग भी वो परचेज कर सकें और आप लोग भी यूज़ करके उससे फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले आज की जो वीडियो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज मैं रिव्यू देने वाली हूँ इन प्रोडक्ट्स के बारे में। ये प्रोडक्ट्स आप देख के सोच रहे होंगे ये पता नहीं क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो ये है जी डॉक्टर राशेल की वाइटनिंग सीरीज। वाइटनिंग सीरीज पे मैंने रिव्यू इसलिए दिया है पहले क्योंकि जो है काफ़ी सारे जो गर्ल्स हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि आप इसके बारे में रिव्यू करें, इसके बारे में रिव्यू करें, तो मैंने सोचा पहले इसी के बारे में रिव्यू किया जाए। ठीक है, तो गाइस जो है इसका रिव्यू मैं आपको देने लगी हूँ। इसमें है चार ये प्रोडक्ट्स, ठीक है, चार चीज़ें हैं वाइटनिंग सीरीज में। वैसे तो इसकी बहुत सारी सीरीज हैं, एलोवेरा सीरीज है, गोल्ड सीरीज़ है, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी सीरीज़ हैं, लेकिन मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ पहले और बाकी भी इंशाल्लाह दूंगी। तो सबसे पहले जो है वो इसके अंदर जो चीज़ आती है वो ये है क्लिंजर, ठीक है, ये वाइटिंग फेड क्लिंजर है जो मेकअप रिमूवर के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर मैंशन किया हुआ ये कि आप मेकअप रिमूवर के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं और डार्क स्पॉट्स को ये फेड करता है और स्किन को वाइट करता है और प्योरीफाई करता है। ठीक हो गया। और अंदर से जो इसकी पैकिंग है वो कुछ इस तरह है, ये 80 ml ट्यूब है ये, और ये इसके ऊपर यहाँ पे भी यही चीज़ मेंशन है और ये बाकी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये देखें डॉक्टर अशेल वाइट स्किन, ठीक है, और पीछे जो है वो इसके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, इसके डायरेक्शंस लिखी हुई हैं और इन्ग्रीडियंट्स लिखे हुए हैं और वार्निंग्स लिखी हुई हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो आ जाता है वो आ जाता है ये सीरम, वाइटनिंग सीरम है। ये वाइटनिंग सीरीज इसलिए है क्योंकि ये बेसिकली जो है वो स्किन को जो स्किन डल हो जाती है और स्किन जो है उसकी पिगमेंटेशन को और स्किन को प्योरीफाई करने के लिए सीरीज है, तो इसलिए इसको वाइटनिंग सीरीज कहते हैं। और इसकी जो बॉटल है वो ग्लास बॉटल है, यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट गिरा तो वो गया, तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये गिरे नहीं, ठीक है। और इसके ऊपर लिखा हुआ है ये रिड्यूस करता है पिगमेंटेशन को, डार्क स्पॉट्स को फेड करता है। बेसिकली प्राइमर का उसका सॉरी सीरम का जो पर्पज़ होता है वो यही होता है कि ये बूस्ट कर देता है जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, तो उसके इफेक्ट को ये ज़्यादा अच्छा कर देता है, ठीक है, और ये स्किन को वाइट भी करता है और स्मूथ भी करता है, ठीक है। ये सेकेंड इसकी हो गई चीज़। और थर्ड जो इसमें है वो है ये नाइट क्रीम है। नाइट क्रीम जो है वो अंदर से कैसी है मैं दिखा देती हूँ आपको। वैसे इसके साथ जो है वो एक मैनुअल भी है, हर बॉक्स के अंदर जो है इसका एक मैनुअल भी है जो आपको बताता है कि आपने डायरेक्शन देगा, वार्निंग्स बताएगा डिटेल में, लेकिन ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये स्किन टोन जो है उसको इवन करता है, डार्क स्पॉट्स जो है उनको रिड्यूस करता है, उसके अलावा नरिश करता है और रिपेयर करता है स्किन को। अच्छा जी, और ये भी ग्लास है, ग्लास में इसलिए होता है, ग्लास बॉटल्स ग्लास जार इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि कोई ना कोई ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रह पाता अगर वो प्लास्टिक की बॉटल में हो या किसी और बॉटल में, तो इसलिए ग्लास जार या ग्लास बॉटल यूज़ की जाती है। ठीक हो गया। और जो फोर्थ है वो है इसकी डे क्रीम जो है वो कैसी है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे नाइट क्रीम है, खुल जा। अच्छा जी, देखिए ये नाइट क्रीम है इसकी, नज़र नहीं आ रहा ऐसे दिखा, ये देखिए ये नाइट क्रीम है इसकी, और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 24 आवर मॉइस्चराइज करेगी आपकी स्किन को और रिड्यूस करेगी पिगमेंटेशन को और स्किन टोन को इवन कर देगी। अच्छा जी, अब ये तो मैंने आप लोगों को दिखा दी कि ये इसकी पैकेजिंग कैसी थी, ठीक है, ये पैक कैसे हुआ, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और मैंने जो है वो पर्सनली भी इसको यूज़ किया तो मुझे इसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं इसे अपने फेस पे यूज़ भी करके दिखाऊंगी ताकि आप लोग भी देखें कि इसका लाइव देखें कि इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। तो सबसे पहले जो है वो इसको यूज़ कर लेते हैं क्लिंजर को,
अच्छा मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैंने ये कहाँ से ऑर्डर किया, मैंने ये भावलपुर से पता किया था तो मुझे ये यहाँ पे नहीं मिला, इसलिए फिर मैंने ऑनलाइन जो है वो इंस्टाग्राम का एक पेज है वहाँ से इसको ऑर्डर कर लिया, ताकि आप लोग भी इसको यूज़ कर सकें और आप लोग को भी आइडिया हो सके। और इसके अलावा मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे मैं हूँ, मैं ज़्यादा जल्दी बिलीव नहीं करती, क्योंकि आप जब ऑनलाइन कोई चीज़ प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो तो आपको पता नहीं होता कि वो चीज़ कैसी आएगी, अच्छी आएगी बुरी आएगी। लेकिन बिलीव मी गाइस, मुझे बिल्कुल भी मतलब यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ऑनलाइन चीज़ ऑर्डर किया और वो बिल्कुल अच्छी निकली है। मैंने इसको मेकअप शेकअप एक पेज है इंस्टाग्राम पे, वहाँ से मैंने इसको ऑर्डर किया था, बहुत ही अच्छी उनकी सर्विस है। मैंने जो है ऑर्डर किया था तो तकरीबन 4 से 5 दिन के अंदर जो है वो उन्होंने मुझे ये सेंड कर दिया था। ये मैंने सिर्फ जो है यही ऑर्डर नहीं किया था, मैंने इसके अलावा ये एक टिंट है बेनेटिंट बेनिफिट का, ये भी ऑर्डर किया था, तो इसका भी इंशाल्लाह आपको रिव्यू दूंगी कि ये कैसा है, ठीक है, आप लोग परचेस करें या ना करें। तो ये जो है जो मैंने वहाँ से ऑर्डर किया था, इसके प्राइस जो है वहाँ पे मुझे 2000 में ये पूरा जो है वो सेट मिला है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से ये ऑफ पे था उस टाइम, आप लोगों को शायद वैसे जो इसके प्राइस हैं वो 2400 है लोग, लेकिन मुझे ये जो है ये 2000 में मिला है क्योंकि ऑफ पे था, ठीक है। तो आप लोगों मेकअप शेकअप का जो वो है लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, अगर किसी ने ऑर्डर करना हो तो ऑर्डर कर लें, बहुत अच्छी सर्विस है उनकी, ठीक है, बहुत नाइस है। और ये देखें ये जिसका क्लिंजर है, इसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल जैसे इंडियन फेयर एंड लवली होती है ना, उस तरह की इसकी स्मेल है, काफ़ी अच्छी। और इसका टेक्सचर भी बिल्कुल वैसा ही है, इसको फेस पे अप्लाई करके थोड़ा सा ये देखें क्लिंजिंग जो है वो आपके जो डर्ट होती है पोर्स में और जो सारा मैल होता है उसको रिमूव कर देती है। थोड़ा थोड़ा पानी लगा के तो या हल्के गुलाब लगा के आपने क्लिंजिंग कर लेनी है ऐसे 2 से 3 मिनट। तो देखिए गाइस, मैं मुंह धोवाई हूँ और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, यानी कि टोटली रिकमेंडेड फॉर यू। और सेकंड जो है वो इसका प्राइमर है, वो हम बार बार प्राइमर कह रही हूँ, सीरम जो है इसका इस तरह का है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा, देखते हैं कितनी देर में ये स्किन के अंदर जो है वो पेनिट्रेट होता है। काफी अच्छा है सीरम भी इसका, देखें ग्लो चेक करें आप स्किन पे, इंस्टेंट ग्लो आता है इससे। अच्छा जी, अब मैं इसकी डे जो क्रीम है यानी कि ये फेस पे अप्लाई करूंगी, और हाफ फेस पे अप्लाई करूंगी, हाफ पे नहीं करूंगी, ताकि आप लोग क्लियरली रिजल्ट देख सकें कि ये कैसा काम करती है, ठीक है। अंदर से जो है वो इसके ऊपर एक और ये
कवर होता है और फिर उसके अंदर ये क्रीम है। थोड़ा आप लोगों ने केयरफुली इसको खोलना है क्योंकि जो क्रीम है वो काफ़ी ज़्यादा जेल फॉर्म में है। तो अब हम इसको लगाते हैं, थोड़ी सी जो है वो हम फेस पे अप्लाई करते हैं यहाँ, ताकि अच्छे से रिजल्ट देख सकें एक साइड को। क्योंकि ये डे क्रीम जो है, डे क्रीम आपने थोड़ी यूज करनी है, ये जो मैंने अभी फेस पे अप्लाई किया है ये नाइट क्रीम है, तो नाइट क्रीम जो है वो थोड़ी सी ज्यादा आपने अप्लाई करनी होती है। देखें अब फेस के दूसरी तरफ जो है वो हम करते हैं, डे क्रीम जो है वो अप्लाई करते हैं, वो देखते हैं उसका रिजल्ट कैसा है। सेकेंड इज डे क्रीम, इसके ऊपर भी ऐसे कवर है, इसको हटा के और थोड़ा सा जो है वो लेके, जो डे क्रीम है वो थोड़ी सी उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो है पतली पतली सी है, तो हम इसको फेस पे ऐसे अप्लाई कर लेंगे जैसे मॉइस्चराइजर होता है उस तरह की। इसकी बड़ी प्यारी सी भीनी भीनी सी खुशबू है इस तरह की। ये स्किन को बेसिकली मॉइस्चराइज करने के लिए है, और ये जो है इस तरफ जो है ये डार्क स्पॉट्स को कम करने के लिए है। स्किन जो ड्राई स्किन वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत। गाइस ये थी आज की रिव्यू वीडियो, आई होप आप लोग को ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा वीडियो को थम्स अप दे दें। और इस रिव्यू के बारे में आप लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स करके बताना है कि आप लोगों को ये रिव्यू कैसा लगा और नेक्स्ट किस प्रोडक्ट पे रिव्यू दूँ, ये भी आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब रमज़ान सीरीज़ जो है, यानी कि रिव्यू सीरीज़ जो है हमारी, उसमें बहुत सारे रिव्यूज़ आने वाले और बहुत सारी रेमेडीज़ शेयर करने वाली हूँ, जो हमने ईद से पहले अपनी जो स्किन डल हुई है, ख़राब हुई है, उसको इम्प्रूव करना है, अच्छा करना है। तो आप लोगों ने वीडियोज़ को देखना है, शेयर करना है, और इसके अलावा मुझे अपना फीडबैक भी देना है। और जिस पेज से मैंने ये ऑर्डर किया है मेकअप शेकअप, वहाँ उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और अपने इंस्टाग्राम की आईडी जो है उसका भी लिंक दे दूँगी। तो आप लोग ने जाना है और वहाँ से जो है ऑर्डर करना है। अगर आप कहीं और से करना चाहते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक है और ये पेज ऑथेंटिक है, और आप लोग यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।